नमस्कार जनप्रवास सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लद्दाख में पेंगोंग झील के पास भारत और चीनी सेना के बीच झड़प। तनाव के बाद दोनों देशों ने अतिरिक्त सैन्य बलों को किया तैनात। दोनों सेनाओं के बीच ब्रिगेडियर स्तर की बुलाई गई फ्लैग मीटिंग। तनाव कम करने के लिए सेनाओं में बनी सहमति। झारखंड में आज चुनावी अभियान का आगाज करेंगे पीएम मोदी। विधानसभा भवन के उद्घाटन के साथ 3 योजनाओं की देंगे सौगात। किसानों के लिए किसान मानधन योजना की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। योजनाओं में व्यापारियों के लिए पेंशन की सुविधा होगी शामिल। भारत ने टैंक विरोधी गाइडेड मिसाइल का किया सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को दी बधाई। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग की बैठक आज। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान। केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर टकराव जारी। गुजरात के बाद उत्तराखंड सरकार ने अदा किया जुर्माना। महाराष्ट्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने पर लगाई रोक। जुर्माना कम करने के लिए नितिन गडकरी को लिखी चिट्ठी। सरकार ने समान काम के लिए समान वेतन का आदेश किया जारी। केंद्र के 10 लाख अनियमित कर्मचारियों को होगा लाभ। यूरोपीय आयोग के पूर्व निदेशक ब्रायन टोल ने 370 का किया समर्थन। कहा गिलगित और बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा। ब्रायन टोल बोले कश्मीरियों के हित में है अनुच्छेद 370 हटाना। भारत सरकार के इस कदम से खुलेंगी आर्थिक विकास की राहें। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है बौखलाए पाकिस्तान। LOC के पास घुसपैठ को तैयार किए 230 से ज्यादा आतंकी। घुसपैठियों में पाकिस्तान के साथ अफगानी आतंकी भी शामिल। सीमा पर बनाए गए 30 लॉन्चिंग पैड अलर्ट पर भारतीय सेना। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बाद गृह मंत्री एजाज अहमद शाह का कबूलनामा। कहा पाकिस्तान में मौजूद है जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठन। कश्मीर पर मुंह की खाने के बाद बोले पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी। कहा भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता संभव नहीं, चाहिए थर्ड पार्टी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। INX मीडिया मामले में किए गए थे गिरफ्तार। शांति वार्ता रद्द करने पर तालिबान ने दी परिणाम भुगतने की धमकी। कहा अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना को बनाता रहेगा निशाना। शांति वार्ता रद्द करने पर अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट से हमला। कोई हताहत नहीं, किसी भी गुट ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। दिल्ली में तेजी से बनी अवैध बस्तियों ने यमुना नदी को किया तबाह। NGT ने कहा घरों से चल रही व्यावसायिक गतिविधियां खतरनाक। अवैध बस्तियों पर NGT ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिया निर्देश। कहा यमुना में डूब क्षेत्र से 3 माह में हटाया अतिक्रमण। योगी सरकार में मंत्री और BJP नेता मुकुट बिहारी वर्मा का बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट हमारा है, अयोध्या में बनकर रहेगा राम मंदिर। पीएम मोदी के गाय और ओम वाले भाषण पर कांग्रेस का पलटवार। कपिल सिब्बल बोले पहले विश्वविद्यालयों की कीजिए चिंता। स्वास्थ्य जांच के लिए अमित जोगी को लाया गया रायपुर। जन्म स्थान से संबंधित गलत जानकारी देने के मामले में हुए हैं गिरफ्तार। दिल्ली में NDMC ने 72 संस्थानों पर की सख्त कार्रवाई। परिसरों में मच्छर पनपने को लेकर लगाया जुर्माना। कर्नाटक के डिप्टी CM ने अच्छी सड़कों को बताया दुर्घटना का कारण। सड़कों को ठीक करने की मांग पर गोविंद कारजोल ने लोगों को दिया जवाब। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने नितिन गडकरी को लिखा पत्र। राज्य के लिए महत्वपूर्ण NH25 को 6 लेन करने की रखी मांग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर मारुति सुजुकी ने दिया जवाब। कहा ऑटो सेक्टर में मंदी के लिए ओला उबर नहीं है जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने GDP की वृद्धि दर में कमी को बताया स्थायी। बोले भविष्य में तेजी से होगा सुधार क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत। सौरभ भारद्वाज की अर्जी पर अलका लामा को दिल्ली विधानसभा का नोटिस। विधायक पद से आयोग ठहराने को लेकर 18 सितंबर तक मांगा जवाब। गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के लिए विशेष ट्रेन चलाने को मंजूरी। CM अमरिंदर सिंह के अनुरोध को केंद्र सरकार ने किया स्वीकार। झारखंड में 65 साल तक नौकरी कर सकेंगे आंगनवाड़ी सेविका। मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाने का लिया गया फैसला। कांग्रेस और NCP के 2 पूर्व मंत्रियों ने थामा भाजपा का दामन। NCP के गणेश नाइक और कांग्रेस के हर्षवर्धन पाटिल BJP में हुए शामिल। दिल्ली के बुराड़ी में इस्पा में चल रहे रैकेट का भांडाफोड़। महिला आयोग और दिल्ली पुलिस की टीम ने छापेमारी कर किया खुलासा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा वासियों को 75% नौकरियां देने का किया ऐलान। बोले बुजुर्गों को 5,000 पेंशन और महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा कराएगी कांग्रेस सरकार। रामपुर दौरे के दौरान हम सफर गेस्ट हाउस में ठहरेंगे अखिलेश यादव। गेस्ट हाउस में बिजली की चोरी के आरोपों के चलते आजम पर दर्ज है रिपोर्ट। राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे जयपुर के अमर जवान ज्योति। अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रखा 2 मिनट का मौन। बिहार में नेतृत्व परिवर्तन के सवालों पर बोले रामविलास पासवान। कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही 2022 में रहेंगे CM पद का चेहरा। सुशील मोदी ने भी ट्वीट कर नीतीश को बताया था NDA का कैप्टन। कुछ ही देर बाद मोदी ने डिलीट कर दिया था अपना ट्वीट। DU छात्र संघ चुनाव में 4 पदों के लिए आज हो रही है वोटिंग। NSUI और AVVP के बीच दिख रही है कड़ी टक्कर। चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली छात्रा का हॉस्टल से गायब हुआ सामान। पीड़िता बोली नहीं मिल रहा है कैमरे वाला चश्मा, चिप और पर्स। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की घोषणा। सभी समाचार चैनल बधिरों के लिए दिन में 1 बार प्रसारित करेंगे बुलेटिन।
पशुपतिनाथ मंदिर में आरती से पहले राष्ट्रगान का आदेश। नेपाल सरकार ने आरती से जुड़े संगठन को कार्रवाई के लिए दी चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के फ्लैट खरीदारों को किया आगाह, का समय से करें बकाए का भुगतान वरना बंद हो सकती है परियोजनाएं। पीएम मोदी के ओम और गाय के बयान पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने साधा निशाना, बोले ध्यान नहीं भटकाएं, अर्थव्यवस्था की स्थिति पर जवाब दें प्रधानमंत्री। सोनिया गांधी से शरद पवार ने की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर हुई चर्चा। ग्रेटर नोएडा में विकसित होगा देश का सबसे बड़ा मियावाकी वन क्षेत्र, 71,000 वर्ग मीटर के घने जंगल को विकसित करेगी जापानी तकनीक। ट्रंप ने ईरान को यूरेनियम संवर्धन के गंभीर परिणाम होने की दी चेतावनी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रतिबंध हटाने की संभावना से नहीं किया इनकार। पाकिस्तान दौरे से पहले श्रीलंकाई क्रिकेट टीम को मिली धमकी, राष्ट्रीय टीम पर पाकिस्तान में हो सकता है आतंकी हमला। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान आज, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की हो सकती है वापसी। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को दिया जा सकता है आराम, टेस्ट टीम में उमेश यादव को मिल सकता है मौका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।